एक गांव में एक पंडित जी थे, वो जो कहते थे उनकी बात सच हो जाती थी, इसलिए गांव में उनका बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था, लोग उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन एक गांव के एक शरारती लड़के के दिमाग में खुराफात आई। उसने सोचा आज पंडित जी के बात की हवा निकाल कर रहनी है, तो उसने एक तितली पकड़ी और उस तितली को दोनों पोली अंजुलियों के बीच में बंद किया और पहुँच गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इन दोनों पोली अंजुलियों के बीच में एक तितली बंद है, आपको बताना ये है कि ये तितली जिंदा है या मरी हुई। वो पूरी प्लानिंग बनाकर आया था, वो सोच कर आया था कि अगर पंडित जी कहेंगे कि तितली मरी हुई है तो उसे वैसा का वैसा उड़ा देगा, पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी, और अगर पंडित जी कहेंगे कि तितली जिंदा है तो उसे दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर मार देगा, फिर पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन श्रोताओं, पंडित जी तो पंडित जी थे, बोले, बेटे इस तितली की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। ऐसे ही आज का ये कवि सम्मेलन दोनों पोली अंजलियों के बीच में बंद तितली की तरह है। आप चाहेंगे तो ये तितली देर तक उड़ेगी, दूर तक उड़ेगी, और अगर आप चाहें तो इसे दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर मार भी सकते हैं। सारा श्रोताओं, आज के कवि सम्मेलन का दारोमदार आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले कवि को आमंत्रित करती हूँ जो लखनऊ के ही हैं, और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो मेज़बान कवि हैं वो अपनी अवधि का बहुत ध्यान रखें, अपनी चुनी हुई एक रचना का पाठ है वे भी समय का ध्यान रखें, लेकिन वो भरपूर सुनाएं फिर भी समय का ध्यान रखें। और इतने सारे कवि मंच पर हैं, सारे ही वरिष्ठ हैं, सारे ही वरेण्य हैं, तो कोई भी ये न समझे कि कौन वरिष्ठ है कौन उससे कनिष्ठ है। जिसका जैसा समय मंच पर आएगा, माइक पर आएगा काव्य पाठ करने का, मैं उसी क्रम में उसे आमंत्रित करूंगी, क्योंकि सारे ही मेरे लिए वरेण्य कवि हैं। सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए बुलाती हूँ आदरणीय श्री नवीन शुक्ल जी को, जो गजलें कहते हैं, कविताएं लिखते हैं और विचारशील कवि हैं, लखनऊ के बड़े सम्मानित कवि हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ नवीन शुक्ल जी को, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपने इस शहर के इस लाडले कवि का आप लोग स्वागत करें। को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने जिन लोगों को सुन के, देख के, पढ़ के कविता करना सीखा, वो आज सभी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुद्दत के बाद आपका पैगाम तो मिला, वाह वाह वाह, मुद्दत के बाद आपका पैगाम तो मिला, बेचैन दिल को आज कुछ आराम तो मिला, क्या बात है, बेचैन दिल को आज कुछ आराम तो मिला। अगला शेर हाजिर करता हूँ, स्वागत। टूटे हुए दिलों से यही कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा, टूटे हुए दिलों से यही कह रहा हूँ मैं, आगाज भूल जाइए अंजाम तो मिला, बहुत अच्छा, बहुत, आगाज भूल जाइए अंजाम तो मिला। एक तहत में गजल पढ़ना चाहता हूं जी। आदमी में प्यास की मौजूदगी का जिक्र है, आदमी में प्यास की मौजूदगी का जिक्र है, आदमी में प्यास की मौजूदगी का जिक्र है, आज हर अखबार में सूखी नदी का जिक्र है, वाह 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 वाह, सूखी नदी, हर अखबार में सूखी नदी का जिक्र है। और एक शेर बतौर खास जी, जब महाभारत पढ़ी तो राज हम पर ये खुला, जब महाभारत पढ़ी तो राज हम पर ये खुला, एक ऐसा युद्ध जिसमें सारथी का जिक्र है, एक ऐसा युद्ध जिसमें सारथी का जिक्र, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। एक शेर और बतौर एक खास दे रहा हूँ। रूखी सूखी पर गुजारी जिंदगानी क्या हुआ, रूखी सूखी पर गुजारी जिंदगानी क्या हुआ, रूखी सूखी पर गुजारी जिंदगानी क्या हुआ, मौत पर शमशान में तो शुद्धगी का जिक्र है, मौत पर शमशान में तो शुद्धगी का जिक्र है, रूखी सूखी पर गुजारी जिंदगी तो क्या हुआ। इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं, चुटकुले किससे कहानी की न रखना तुम उम्मीद, चुटकुले किससे कहानी की न रखना तुम उम्मीद, मेरे लब पर आदमी की बेबसी का जिक्र है, मेरे लब पर, मेरे लब पर आदमी की बेबसी का जिक्र है। एक शेर और हाजिर करता हूं। खेत जाते हल चलाते मेहनती भोले किसान, खेत जाते हल चलाते मेहनती भोले किसान, वाह वाह, मेरी कविता में उन्हीं की खुदकुशी का जिक्र है, मेरी कविता में उन्हीं की खुदकुशी का जिक्र है। खेत जाते हल चलाते मेहनती भोले किसान, मेरी कविता में उन्हीं की खुदकुशी का जिक्र है। और एक शेर सुन लीजिए, शायद मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आएगा जी। घात करना खून पीना बोटी बोटी नोचना, घात करना खून पीना बोटी बोटी नोचना, भेड़िया समझे हो तुम ये आदमी का जिक्र है, क्या बात है, वाह वाह। घात करना खून पीना बोटी बोटी नोचना, वाह वाह, भेड़िया समझे हो तुम ये आदमी का जिक्र है। और मक्ता हाजिर करता हूं। केश जब खोले तो फिर बांधे नहीं उसने नवीन, केश जब खोले तो फिर बांधे नहीं उसने नवीन, शर्म से गर्दन झुकाओ द्रौपदी का जिक्र, शर्म से गर्दन झुकाओ द्रौपदी का जिक्र है, शर्म से गर्दन झुकाओ द्रौपदी का जी जी नवीन जी। एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पढ़ू, छोटी पढ़ी जी, मतलब हाजिर है। हर तरफ अंधेरा हो रोशनी ना हो तो भी, हर तरफ अंधेरा हो रोशनी ना हो तो भी, हर तरफ अंधेरा हो रोशनी ना हो तो भी, मौत ढूंढ लेती है मुखबिरी ना हो तो भी, मौत ढूंढ लेती है जी जी नवीन जी, मुखबिरी ना हो तो भी, मौत ढूंढ उनसे बात क्या करना जो हमारी बातों को, उनसे बात क्या करना जो हमारी बातों को, दिल लगी समझते हैं दिल लगी ना हो तो भी, दिल लगी समझते हैं दिल लगी ना हो तो भी। और एक शेर और सुन लीजिए जी, ये मैकदा है हम लोगों का, कवियों का मैकदा कवि सम्मेलन ही होता है। मैकदे में रहते हैं देर रात तक मैकश, मैकदे में रहते हैं देर रात तक मैकश, तश्नगी के मारे भी तश्नगी ना हो तो भी, तश्नगी के मारे भी तश्नगी न हो तो भी। एक शेर और सुनिए, ये अजीब दुनिया है ऐसे लोग भी यहाँ हैं, ये अजीब दुनिया है ऐसे लोग भी यहाँ हैं, कत्ल जो किया करते दुश्मनी ना हो तो भी, कत्ल जो किया करते दुश्मनी ना हो तो भी, कोई उनसे घर पूछे आदमी मरा कैसे, कोई उनसे घर पूछे आदमी मरा कैसे,
खुदकशी बताते हैं हाँ। खुदकशी ना हो तो भी खुदकशी बताते हैं खुदकशी ना हो तो भी। और मक्ता हाजिर करके अपना स्थान लेता हूँ। ए नवीन अब मुझको दाद चाहिए सबसे, ए नवीन अब मुझको दाद चाहिए सबसे, मेरी इस गजल में कुछ शायरी न हो तो भी, अच्छा, मेरी इस गजल में कुछ क्या बात शायरी।